आज हम आए हैं रायकोटाई। यहाँ पर एक फोर्ट है, उस पर ट्रैक करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर से ट्रैक का पाथ शुरू हो जाता है। अभी तो स्टेप्स है, अराउंड 200 स्टेप्स, और उसके बाद आगे फिर ट्रैक करेंगे। कार यहाँ पर पार्किंग कर दी है। देर इज नॉट ए डिफाइंड पार्किंग, जस्ट वी फाउंड सम पार्किंग स्पेस एंड केप्ट आवर पार्क कार देयर। तो दिस इज द प्लेस एंड जब हम लोग आ रहे थे यहाँ पर, कुछ लोग जो हनी निकाल रहे थे, तो वो तभी ये सब बंदर आके इकट्ठा हो गए। तो आगे चलते हैं। ये ट्रैक के ऊपर दिस पाथ इज लीडिंग टू ए फोर्ट बेसिकली। तो आज वो फोर्ट में चला जाएगा। मी एंड किशोर हैव कम टुडे। किशोर थोड़ा आगे निकल गया है। यस, ही इज वेटिंग देयर। काफी दिन गर्मी के बाद अभी इस एरिया में, बेंगलोर एरिया में, क्लाउड और मतलब बेंगलोर में तो ठंड सही पड़ गया है, जैसे टिपिकल बेंगलोर का वेदर होता है। बट लास्ट वन मंथ और सो काफ़ी गर्मी था, तो आई डिडंट डू मच ऑफ ट्रैकिंग, इनफैक्ट नो ट्रैकिंग। और अभी जो कि वेदर ठीक ठाक हुआ है, आज तो टोटली सनी वेदर है। तो और आज संडे भी है, तो आज फटाफट एक मॉर्निंग एक्सप्रेस ट्रैक करने के लिए हम लोग प्लान किए। जबकि मॉर्निंग तक कोई प्लान ही नहीं था, ऐसे ही कैजुअली हम लोग चैट कर रहे थे, मी एंड किशोर, एंड देन वी थॉट ऑफ गोइंग समवेयर नियर। What is it? The mountain ranges. Right. Yes. Mountain का range बहुत खूबसूरत दिख रहा है। थोड़ा zoom करके दिखा रहा हूँ, layer upon layer। ये वो कृष्णगिरी का जो ranges है, मुझे लगता है वही है। और it could be like Dankanikottai area also. ये प्लेस होसूर से, आई थिंक इन दिस माउंटेन रेंज रत्नगिरी कोटा। अच्छा अच्छा, तो किशोर इज सेइंग इन दिस माउंटेन रेंज देयर इज रत्नगिरी बेट्टा एंड व्हाट इज द अदर वन, भैरव बेट्टा। तो टू मोर इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आर देयर, परहैप्स समडे वील एक्सप्लोर। फील लाइक आई हैव कम हियर बिफोर, जबकि मैं शायद यहाँ तक आके फिर आई डिड नॉट फिनिश द ट्रैक, सो आई केम टिल हियर एंड देन आई सॉ दैट या दिस इज द प्लेस दैट वी हैव टू क्लाइंब अप। तो फिर यहाँ पर आके मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। आई वॉज सोलो ट्रैकिंग दैट टाइम एंड इट वॉज अ वेरी सनी डे, इट मस्ट बी लाइक 2-3 ईयर्स बैक। Now as I've come to this place, I realize के I have been to this place before. अभी काफ़ी दूर चलना है,
वो जो रास्ता पकड़ के किस ओर जा रहा है, एक्चुअली दिस इज़ टू डिफरेंट रॉक। ये सामने वाला जो है दिस इज़ ए स्मॉल वन, और इसके पीछे जो बड़ा ट्रैक है वहाँ पर अल्टीमेटली हम लोगों को पहुँचना है। अभी हम लोग एक रॉक में आए हैं। अभी यहाँ पे भगवान जी का पैर चिन्ह दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। सो लेट्स कैरी ऑन। यहाँ से जो नीचे का गांव है बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, और जो दूर का वैली है बहुत ही खूबसूरत। कितने ही छोटे छोटे हिल्स, छोटे छोटे पहाड़, और एक के ऊपर दूसरा लेयर, उसके पीछे का लेयर दिख रहा है। और अभी तो थोड़ा देर पहले तक पूरा कवर था कोहरे से, और अभी सन इज़ आउट सो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ विजिबल, वेरी ब्यूटीफुल। ये पाथ से हम लोग आए वो नीचे से, और यहाँ से जो मेन ट्रैक है फोर्ट का वो ऊपर चला जाएगा। वी आर टेकिंग लिटिल बिट ऑफ डिटोर फ्रॉम हियर टू गो टू ए टेम्पल। तो पता चला कि आगे टेम्पल है, और जाके वहाँ पर मदर टेक के आएंगे। पास में ही है, फ्यू मोर स्टेप्स। जब हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था तब से ही एक कुत्ता हम लोगों के साथ चल रहा है, चल रही है, एंड सी इज स्टिल वॉकिंग विथ अस। वो थोड़ा आगे चली गई है, आई थिंक सी इज वॉकिंग विथ किशोर। तो ऐसा होता है ट्रैक पाथ में, कभी कभी कुत्ते साथ में आते हैं। हमारे साथ कुछ खाने का चीज़ तो है नहीं। वंस वी गेट डाउन, इफ सी कम्स विथ अस बैक टू द बेस ऑफ द हिल, परहैप्स वी विल सी व्हाट वी कैन फीड हर। यहाँ से वैली थोड़ा ओपन हो गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द वैली टाउन देयर। वो आई थिंक दिस इज रायकोट्टई, और ये दूर वैली जो दिख रहा है, दिस प्लेस इज अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम होसूर। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होसूर आना है, और होसूर से फिर दिस प्लेस इज 10 किलोमीटर फ्रॉम शूलगिरी, माई बैड। तो बेंगलोर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से होसूर, फिर होसूर से शूलगिरी आना है, अराउंड 1 आवर ड्राइव। अब ये टेम्पल में हम लोग आ गए हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे, बाहर से हम लोगों ने माथा टेक लिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक प्रदीप बना हुआ है, और वहाँ से जो ब्लैक, जो काली निकलता है, उसे पूरा कवर हो गया ये प्लेस। और जस्ट सामने ही ये व्यू है रायकोट्टई, वेरी ब्यूटीफुल। टेंपल के बाद तो हम लोग अभी जो मेन ट्रैक है वो उसके लिए आ गए हैं। बहुत ही जायंट सा एक रॉक यहाँ पर देखा है, और वो जो डॉग है हम लोग को ऑलरेडी अभी भी फॉलो कर रही है। आई थिंक शी इज़ नॉट फॉलोइंग हर अस बट शी इज़ शोइंग अस द वे, क्योंकि वही आगे आगे जा रही है एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग हर। दीज प्लेसेस विच आर नियर टू टाउन, आई थिंक दीज आर लाइक आइडियल प्लेसेस फॉर लेपर्ड्स नाउ डेज टू हाइड देमसेल्व ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे।
और शाम होने के बाद वो लोग क्वाइटली नियरेस्ट टाउन जो कि इन दिस केस रायकुट्टई वहाँ पर निकलती है। देर इज अनदर पाथ। ओके सो किशोर इज सेइंग दैट यू कैन कम थ्रू दिस पाथ ऑन योर बाइक। तो आई थिंक पहले के ज़माने में एज देर इज़ ए फोर्ट अप देयर सो वी आर जस्ट थिंकिंग मे बी दिस पाथ वेयर वॉज इन यूज फॉर लाइक हॉर्सेस एंड मे बी हॉर्स कार्ट्स टू कैरी देयर स्टफ अप टू दैट फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से तो वाओ। नाउ एज आई गो आगे से थोड़ा थोड़ा जो रुइंस है फोर्ट का वो दिख रहा है। चारों तरफ से ये वैली कवर्ड है ऐसे ही छोटे 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 तो नहीं बोलूँगा काफ़ी बड़े बड़े ही हिल्स है हिलॉक्स है। और जो स्पेशलिटी है कर्नाटका और बेंगलोर के आसपास जो एरिया है कि द एंटायर हिल इज बेसिकली वन बिग पीस ऑफ रॉक और इसी टाइप के होते हैं एंड यू कैन बेसिकली वॉक ऑन देम नॉट आई मीन इट्स इट लुक्स वेरी वेरी स्टीप बट व्हेन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन देम यू विल बी एबल टू एक्चुअली होल्ड ग्रिप। नीचे का वैली बहुत ही शानदार इट्स लाइक ए स्टीप फॉल डायरेक्टली ऑन टू द वैली। यहाँ से इसके बीच में कुछ भी नहीं है दिस लाइन और उसके बाद मुझे सीधे वो नीचे का ट्री लाइंस दिख रहा है। ये फोर्ट के अंदर तो आ गए हैं। फोर्ट के अंदर लगता है दे हैव ट्राइड टू कंस्ट्रक्ट रूम्स। थोड़ा सा अंदर जाकर देखते हैं। द स्मेल इज लाइक डेफिनेटली जो बैट्स रहते हैं चमगादड़ रहते हैं दे डेफिनेटली लिव हियर। अंदर तो टोटली डार्क बट इट्स ए ह्यूज रूम लोग इधर आके पिकनिक वगैरह भी मनाया हुआ है। इट्स नॉट टोटली क्लीन बट दिस थिंग इज लाइक ऑथेंटिक स्मॉल टेराकोटा टाइप का जो ब्रिक्स होते हैं एंड दिस इज बिफोर द एरा ऑफ सीमेंट दिस इज नॉट सीमेंट सो दिस मस्ट बी लाइक सेंचुरीज ओल्ड एंड दिस इज स्टिल स्टैंडिंग टॉल। आगे बढ़ते हैं। दीज प्लेसेस दे टेक अस बैक सेंचुरीज। ये रॉक फेसिंग फोर्ट कभी बना होगा दिखने में शायद कैमरा में उतना बड़ा नहीं लग रहा है बट दिस इज लाइक ए ह्यूज रॉक्स और देर इज वन कनेक्टिंग रॉक ये जो काला वाला है एंड दिस इज ए मैन मेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। और इसके वॉल में भी ट्रीज आ गए हैं सो डेफिनेटली लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सेंचुरीज हियर। This is the main entrance of the fort. लोग यहाँ पर अपना नाम लिख लिख के बर्बाद कर दिए प्लेस को बट स्टिल इट्स वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटिफुल।
और यहाँ पर से आके लेट्स टेक द लेफ्ट, आई सी सम स्ट्रक्चर, जिस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पर देखे फोर्ट में एंट्री करने के टाइम में, इट्स काइंड ऑफ सेम थिंग बट ये ओपन प्लेस में है। दीज आर लाइक रूम्स पहले के ज़माने में रूम हुआ होगा यहाँ पर, दो डोर्स, तीन डोर इंक्लूडिंग दिस वन, और ऊपर छत हुआ होगा किस टाइम में। द मोस्ट अट्रैक्टिंग थिंग फॉर मी इज के ये जो स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है, इट इज मेड आउट ऑफ स्मॉल ब्रिक्स, टेराकोटा ब्रिक्स। वाओ, कितने ही डिटेल में स्ट्रक्चर बना हुआ है इस रॉक के नीचे। यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी बना हुआ है। किसी टाइम में ये प्लेस काफी रीगल रहा होगा, अभी तो दिस इज लाइक ए डंप यार्ड ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एवरीवेयर। आफ्टर द फोर्ट नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द हिल to see what lies there. हम लोगों का ट्रैक गाइड आगे आगे चल रही है, she is literally guiding us towards the top of the hill. She is taking a bit rest for herself. यहाँ से थोड़ा सा अभी हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रैकिंग डन। दीज आर टू फेमस लैंडमार्क्स व्हिच आर विजिबल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फ्रॉम द रोड। दूर में बारिश हो रहा है, यहाँ पर ब्यूटीफुल व्यू। थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये वैली में बारिश हो रहा है, वेरी नाइस। तो यहाँ का सीन काफ़ी चेंज हो गया है, इट लुक्स लाइक इट्स गोना रेन एनी टाइम नाउ। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड लाइक 80%, अभी जस्ट ये हिलॉक को चढ़ना है, बट आई थिंक वी शुड गिव अप। अभी बारिश शुरू हो जाएगा, किशोर हैज़ कैमरा ऑल्सो विथ हिम, किसी और दिन फिर से आएंगे। बट फॉर मी दिस वॉज द हाईलाइट ऑफ द ट्रैक। ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सीम्स सम सॉर्ट ऑफ टेम्पल, वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा आगे जाएंगे, वो आई थिंक इट्स टेम्पल, जाकर एक्सप्लोर करते हैं, देन लेट्स पुश ऑन। रेन हो रहा है एंड इट विल टच अस एनी टाइम नाउ, सो पुश ऑन, विल गिव अप और वापस चलते हैं। आई फेल्ट अ ड्रॉप, आई थिंक इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। बारिश शुरू हो गया है काफी तेज, जैसा कि हम लोग सोच रहे थे। अब ये पत्थर दे विल बिकम स्लिपरी, तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशन लेके चल रहे हैं।
ओके सी स्टिल हियर सी इज गोइंग लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस. अभी देखो कहाँ निकल गई वो. हम लोगों को तो धीरे धीरे चलना है क्योंकि द रॉक इज क्वाइट स्लिपरी नाउ. बड़ा ही मजा आ रहा है. और बारिश जोरों से शुरू हो गया अभी तो. बड़े बड़े बूंदे. एब्सोल्युटली स्टनिंग. आज तो मजा आ गया. अभी मुझे याद आ गया है बचपन में जब भी बारिश हो रहा था हम लोग छत पे जाके बहुत कूदते थे. सो दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ इट. वही सिमिलर टाइप का फीलिंग मुझे आ रहा है. अभी लगातार बारिश, कैट्स एंड डॉग्स. और मुझे एक सेंटीपीड दिख गया. कितनों भी जोर बारिश हो हम लोगों को तो धीरे धीरे ही उतरना है. और बारिश में मतलब जल्दी उतरना क्या, भागना क्या. बारिश का मजा लेने के लिए ही तो आए हैं. किशोर आ रहा है. अभी इतना तेज से बारिश शुरू हुआ है बहुत ही मजा आ रहा है. आई डोंट फील लाइक गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस. ऐसे चलता रहूं मैं और ऐसे बारिश होते रहे. हम लोग काफी नीचे आ गए हैं. नीचे का टाउन दिख रहा है अब. बट बारिश तो अभी ज्यादा बढ़ गया है. अभी एकदम कैट्स एंड डॉग्स. तेज बारिश. कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा है. बट मे बी इट इज कैप्चरिंग. इस पे देखने से पता चलेगा कितना तेज बारिश हो रहा है. तो बारिश अब रुक गई है. इधर से बारिश आकर हम लोगों को पूरा भिगोकर टोटली ड्रेंच्ड. नाउ इट हैज़ गॉन टू दिस वैली ओवर द सिटी ऑफ रायकोट्टाई. तो बारिश तो रुक गई बट हम लोग पूरा भीग गए हैं. और हम लोग ऑलमोस्ट उतर ही गए हैं. अनदर 5 मिनट्स फाइनली वी हैव रीच्ड टू द फुटहिल and car parking. I don't see the dog that was following us, that was leading us. Shayad barish ho raha hai to wo kahin chali gayi hogi. We'll wait for some time for her to see if she is around. We'll try to feed her.